ये 3,300 वर्ड पीस 100वीं वर्षगांठ विशेष पेपर वैश्विक टेक्टोनिक प्रक्रियाओं में धर्मनिरपेक्ष परिवर्तन और सोने के असर वाले खनिज जमा के अस्थायी वितरण पर उनके प्रभाव का एक पुनर्निर्मित है जो academia.edu से है। आइए सुने। यह आलेख आर्थिक भूविज्ञान की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष आलेख है जो वैश्विक टेक्टोनिक प्रक्रियाओं में होने वाले लौकिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है तथा यह भी बताता है कि किस प्रकार इन परिवर्तनों ने स्वर्णयुक्त खनिज भंडारों के अस्थायी वितरण को प्रभावित किया है। यह शोध पत्र डेविड आई ग्रोव्स, केंसी कोंडे, रिचर्ड जे गोल्डफार्ब, जोनाथन मायाक्रोन्स्की और रिचर्ड एम वील राइकर द्वारा लिखा गया था। ये लेखक यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू मैक्सिको इंस्टीट्यूट ऑफ यूएच माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के शीर्ष शोधकर्ता हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ प्रकार के खनिज भंडार आमतौर पर पृथ्वी के इतिहास में विशिष्ट अवधियों में चरम पर रहने के साथ यूएच अस्थायी वितरण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए सोने जैसी कम रिडॉक्स संवेदनशील धातुओं के भंडार दीर्घकालिक अस्थायी पैटर्न दिखाते हैं जो उत्तरोत्तर घटते ताप उत्पादन और वैश्विक टेक्टोनिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन के कारण पृथ्वी में बड़े बदलावों से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि प्रीकैम्ब्रियन युग के आरंभ में प्लेट टेक्टोनिक्स के साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि जब पृथ्वी अधिक गर्म थी तब प्लम की घटनाएं अधिक प्रचुर मात्रा में थी। युवा महाद्वीपीय क्रस्ट का विकास अल्पकालिक विनाशकारी मेंटल प्लम घटनाओं और सुपरकॉन्टिनेंट के निर्माण से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। सुपरकॉन्टिनेंट के निर्माण और विघटन के इस चक्र के साथ विभिन्न प्रकार के खनिज भंडार जुड़े हुए हैं। उन्होंने पाया कि उपमहाद्वीपीय लिथोस्फेरिक मेंटल का विकास ऊष्मा प्रवाह में कमी और प्लम गतिविधि में कमी के कारण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप टेक्टोनिक परिदृश्यों में बदलाव हुए। उन्होंने कहा कि ओरोजेनिक गोल्ड जमा, जो कम से कम 3-4 अरब वर्षों में बना है, में किसी भी प्रकार के गोल्ड जमा की तुलना में सबसे अधिक संरक्षण क्षमता है। लेखों ने आयरन ऑक्साइड कॉपर गोल्ड जमा में ज्वालामुखी होस्ट किए गए विशाल सल्फाइड जमा के बारे में भी बात की और बताया कि वे प्रारंभिक प्रीकैम्ब्रियन उपमहाद्वीपीय लिथोस्फीयर के विकास से कैसे संबंधित हैं। इन निक्षेपों के संरक्षण के संदर्भ में मेंटल पर विचार किया गया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि महासागरीय स्थलमंडल और उपमहाद्वीपीय स्थलमंडलीय मेंटल दोनों की उछाल जैसे कारकों ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आर्कियन और पैलियोप्रोटेरोजोइक में युग्मित प्रासंगिक क्रस्टल वृद्धि और संरक्षण की एक एकल मौलिक अवधारणा अनेक प्रकार के स्वर्णयुक्त खनिज निक्षेपों के अस्थायी वितरण की व्याख्या करती है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने सुपरकॉन्टिनेंट चक्र में मेंटल प्लम्स की भूमिका पर चर्चा की तथा ये भी बताया कि यह खनिज भंडारों के अस्थायी वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सोना युक्त निक्षेपों के प्रकार प्रारंभिक अधिक गर्म पृथ्वी के अधिक उत्प्लावनशील प्लेट टेक्टोनिक शैली से लेकर आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक शैली तक के परिवर्तनों से संबंधित विशिष्ट अस्थायी वितरण प्रदर्शित करते हैं, जो कि फेनेरोजोइक युग की विशिष्ट है। यह तो समाप्त हो गया। स्पष्ट रूप से इन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने से यह समझने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि समय के साथ सोने के भंडार कैसे वितरित होते हैं। वास्तव में यह शोध पत्र जटिल भूवैज्ञानिक घटनाओं को उजागर करने में अंतर्विषय अनुसंधान के महत्व को रेखांकित करता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल जियो वॉइसेस में आपका स्वागत है, जहां आपको भूविज्ञान, भूरसायन, संरचनात्मक विश्लेषण और पृथ्वी विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के बारे में कई वीडियो मिलेंगे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिसूचना घंटी पर क्लिक करना न भूलें। प्रश्न: मुझे नीचे एक टिप्पणी छोड़ें।